मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन महाभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। कोरोना वैक्सीनेशन महाभियान के लिए समाज के प्रमुख लोगों का सहयोग चाहिए। सीएम ने कहा कि कलेक्टर सभी धर्मगुरुओं को टीकाकरण केंद्रों की जानकारी दें ताकि वो वहां पर पहुंच सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोविड वैक्सीनेशन महाभियान के जरिए लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि धर्मगुरुओं के वीडियो टीका लगाने के संबंध में जारी करवाएं। टीका लगवाने पर हल्का बुखार आता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चेचक के टीकों के समय भी यह दिक्कत होती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से जनता को सुरक्षा चक्र देकर जनता को तीसरी लहर से बचा लेंगे। उन्होंने कहा प्रदेश में कोरोना टेस्ट और बढ़ाए जाएंगे। टेस्ट बढ़ाने से संक्रमितों का पता चलेगा और उन्हें अलग कर संक्रमण को फैलाने से रोका जा सकता है। घर घर जाकर सर्वे भी जारी रहेगा। प्रदेश में एक दिन में 80,000 टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा सभी कोविड के अनुकूल व्यवहार अवश्य करें, गाड़ी में मास्क लगाकर बैठें, आपकी मदद से जागरूकता आएगी। प्रदेश में संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो कोविड के संक्रमण बढ़ेगा तो भी हमें बचाएगा और वो है टीका लगवाने का काम, वैक्सीनेशन का काम। और वैक्सीनेशन का काम सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने इस विषय पे काम करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। मतलब अगर हमारे दोनों डोज लग गए तो कोरोना संक्रमण फैलने पर भी या तो कोरोना होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो वो घातक नहीं होगा, अस्पताल जाने की हो सकता, नौबत ही ना आए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो वायरस का मुकाबला कर लेती है। ये भारत में दुनिया भर के वैज्ञानिक ही कह रहे हैं और दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए यही सुरक्षा चक्र वैक्सीन का दे रहे हैं। वैक्सीनेशन तेजी से करें और 21 तारीख से ये प्रदान करेगी। तो हमने ये सोचा कि 21 तारीख से वैक्सीन का महाभियान शुरू कर दें अपन, और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये महाभियान साधारण नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान है। ये लोगों को सुरक्षा से, कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने का अभियान है। एक मुख्यमंत्री के नाते मैं महसूस करता हूं कि इससे पवित्र काम इस समय कोई हो नहीं सकता, और मुझे अंदर से लगता है कि जी जान से जुड़ जा तू, ताकि सितंबर अक्टूबर तक जब तक तीसरी लहर आए तब तक हम काफी लोगों को वैक्सीन लगा चुके हों। लेकिन इसमें अकेला मैं नहीं करूंगा, मैं जुटूंगा, सरकार जुटेगी, मंत्री जुटेंगे, विधायक, सांसद, उनसे मैंने अलग बात की, वो सारे के सारे जुटे, लेकिन समाज को जुटना पड़ेगा। कई तरह के भ्रम बीच में फैलाए लोग, लेकिन उन सारे भ्रमों को कौन दूर करेगा? हमको दूर करना पड़ेगा, धर्मगुरुओं को कहना पड़ेगा, अपने अपने अनुयायी वर्ष की चिंता मत करो, ये वैक्सीन हमारी जिंदगी बचाएगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो धर्मगुरु समाज से भी, स्वयं से भी संस्थाओं के प्रमुख, समाजों के प्रमुख, चिंतक, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, जिनका अपना वजन है, वो समाज को पूरी ताकत के साथ ये कह के लगाओ वैक्सीन, मैंने लगवाई तुम भी लगाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। तो एक भाव पैदा होगा लोगों के मन में, क्या सभी तो कह रहे हैं, धर्मगुरु कह रहे हैं, चिंतक कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, साहित्यकार कह रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, सांसद विधायक कह रहे हैं, समाज सेवी संस्थाओं के लोग कह रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग कह रहे हैं, तो लोगों के मन में विश्वास बढ़ेगा। और आपके साथ मिलकर मैं तय करना चाहता हूं कि अक्टूबर तक मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीन लगा दें, ताकि लहर भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर लें। अब हम अपनों को नहीं मरते हुए देख सकते साहब, हम खूब टेस्ट करेंगे, टेस्ट हम कम नहीं करने वाले। मैंने निर्देश दिया है कि 75,000 से 80,000 टेस्ट रोज होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। इसलिए टेस्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, और उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव आए तो उनको अलग थलग करेंगे, मतलब घर में या अस्पताल में,
माइक्रो कंटेनमेंट एरिया दो तीन तीन घर अगर जहां है उनको अलग कर दिया अपन ने, तो फैलेगा नहीं। और किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे, मतलब घर घर जाके भी सर्वे करते रहेंगे, तो इससे संक्रमित पता चलेगा, बीमारी प्रारंभ में ही हम नियंत्रित कर पाएंगे। एक उन्होंने कहा कि हम कब तक व्यापार बंद रखेंगे, कोरोना की दूसरी लहर भयावह थी, हमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना है, समाज को सचेत रखना बहुत जरूरी है, सावधानी नहीं रहे तो संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ सकती है, हम अस्पताल की व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे, बेड ऑक्सीजन बच्चों के बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां कामकाज चलाते हुए हम कोविड संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए यह सब काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, आपका सहयोग चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर तक हम ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगा दें ताकि तीसरी लहर ना आए। कि कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर जो सचमुच में पहली से बहुत भयानक थी, वायरस ज्यादा संक्रामक था और जिसमें सच में हमने बहुत नुकसान भी उठाया है, वो कष्ट जब देखता हूं तो आज भी वो 7 दिन भूलते नहीं है जब ऑक्सीजन का संकट से लेकर बाकी दिक्कतें थी, और दिन और रात हम लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे हम अपनी जनता के इलाज की व्यवस्था बना पाए, ऑक्सीजन का इंतजाम करें, दवाइयां इंजेक्शन उनकी व्यवस्था करें। वो भयानक दौर था, लेकिन आज आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे कि संक्रमण मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो वायरस अभी है और जैसे ही अनलॉक होता है, मिलना जुलना शुरू होता है, तो वो फिर से फैलना शुरू कर देता है, और इसलिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं कि तीसरी लहर की लोग बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि संख्या फिर बढ़ सकती है पॉजिटिव की, लेकिन अब बार बार हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, कब तक व्यापार बिजनेस बंद करेंगे, गरीब चौपट हो जाता है, व्यापार नष्ट हो जाते, उद्योग और व्यापारों को बहुत नुकसान होता है, और हम कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे दुनिया चलती भी रहे और कोविड के संक्रमण को हम नियंत्रित भी कर सकें। उद्योग दुकान व्यापार बिजनेस आर्थिक गतिविधियां सामान्य कामकाज ये चलाते हुए कोविड के संक्रमण पर हम नियंत्रण करें, और इसलिए मैंने कष्ट दिया है, वो अकेली सरकार नहीं कर सकती, आपका सहयोग चाहता हूं। एक काम सरकार करेगी कि हम अस्पताल की व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे, अस्पताल में बिस्तर, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के वार्ड, दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगा रहे हैं ताकि कोई और संकट आए तीसरी लहर का तो हम मुकाबला कर पाए। इंजेक्शन दवाइयां वो मैंने निर्देश दिए, तो हर शहर में हर जिले में वो संख्यापन बढ़ा रहे, तो वो काम सरकार करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।